बिहार के छपरा में फटा बम, जानवरों की तरह ठूसे बच्चे, यौन शोषण कर रहा मौलवी, ये कैसी दीनी तालीम। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। देश में कुछ लोगों ने जगह जगह जिहाद की फैक्ट्रियां खोल रखी हैं, जहां पर जिहादी को बनाया जाता है, उसका ब्रेन वॉश ऐसे किया जाता है कि वो जिहाद की दुनिया में चले जाए। ऐसी ही एक और कई जिहाद की फैक्ट्रियों का लगातार भंडाफोड़ हो रहा है। कभी मदरसों से बच्चियों के साथ घिनौने काम की खबर सामने आती है, तो कुछ दिन पहले यूपी से बिहार के कई बच्चों को रेस्क्यू किया गया। तो अब खबर है कि बिहार के छपरा में मोती राजपुर गांव में एक मदरसे में बम फटा है, बम ब्लास्ट हो गया है। ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं जो कई सारे सवाल खड़े कर रही हैं, तो आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। बिहार के छपरा के मोती राजपुर गांव में एक मदरसे में बम ब्लास्ट हो गया। छानबीन हुई तो पता चला कि एक छात्र मदरसे के पीछे मिले बम को गेंद समझकर मदरसे के एक बच्चे ने उठा लिया था और फिर उसे खेलने लगा। मौलाना ने देखा तो उसे बाहर फेंकना चाहा, लेकिन तब तक बम फट गया। घटना में मौलाना और छात्र दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस मामले में पुलिस छानबीन कर रही है, पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये बम आया कहाँ से। शुरुआती जांच में तो इसे पटाखे फैक्ट्री का बम बता दिया गया, लेकिन इससे बात खत्म नहीं होती है, क्योंकि जिस तरह से मदरसों को लेकर जो खबरें आना शुरू हुई हैं, वो सवाल खड़ा करती है कि आखिर दीनी तालीम के नाम पर मदरसों में चल क्या रहा है। कहीं से यौन उत्पीड़न की खबरें आ रही हैं, कहीं से शारीरिक शोषण क्रूरता, तो कहीं से कट्टरपंथ के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। बीते दिनों ही यूपी के लखनऊ में पुलिस और राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम ने कुछ मदरसों पर छापा मारा, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यहां से दो मौलवियों को गिरफ्तार करके 93 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। सभी बच्चों को फिर वाराणसी के सुधार गृह भेजा गया। आरोप लगा कि मौलवी बच्चों को पढ़ाने लिखाने के बजाय कुछ और ही शिक्षा दे रहे थे। एक बच्चे ने खुद इस बारे में राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य सुचित्रा चतुर्वेदी को बताया। बच्चों की बातें सुनकर वो भी हैरान रह गई। बच्चे ने बताया कि वो बिहार का रहने वाला है, उसे लखनऊ लाया गया था ये कहकर कि तुम्हें हम हाफिज बनाएंगे। बच्चे ने आगे कहा कि हमें तो बस हाफिज बनना है। मौलवी कहते हैं कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, जो बुरे लोग होते हैं उनका पुनर्जन्म होता है, जो हाफिज होते हैं वो जन्नत में जाते हैं, साथ में 10 लोगों को भी जन्नत ले जाते हैं। इस पर सुचित्रा चतुर्वेदी का कहना है कि जिस तरह से इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई की जगह ये सब सिखाया जा रहा है, वो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। जो बच्चे ठीक से हिंदी तक नहीं बोल पाते, वो पुनर्जन्म जैसे शब्द बोल रहे हैं, हिंदू धर्म और इस्लाम में अंतर भी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने इन बच्चों से बात की और इनकी मानसिकता को गहराई से समझा। बच्चों को दीन की शिक्षा, जन्नत के सपने दिखाए जाते हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाता है। वहीं पुलिस ने दो मौलवियों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब मदरसों से ऐसी खबर सामने आई है। इससे पहले भी 2 मई 2024 को राजधानी लखनऊ के दुबग्गा इलाके में मदरसे से बिहार के 24 बच्चों को मुक्त कराया गया। इससे पहले भी कई बार ऐसी खबरें आईं। वहीं ज्यादा दिन नहीं बीते, राजस्थान के अजमेर में 5 छात्रों ने इमाम को डंडे से पीट पीट कर और रस्सी से गला घोट कर मार डाला था। जब मामला खुला तो चौंकाने वाली बात सामने आई। छात्रों ने बताया कि इमाम के यौन उत्पीड़न से तंग आकर ये हत्या उन लोगों ने की थी। ये छात्र उस इमाम से इतने परेशान थे कि उन्होंने बकायदा साजिश रचकर उसको जान से खत्म कर दिया। इसी तरह असम के सलमारा जिले में एक मदरसे के अंदर नाबालिग लड़के से यौन उत्पीड़न की घटना 9 मई को खुली थी। आरोपी मदरसे का मौलाना अखिरुल इस्लाम ही था। इस मौलाना ने बच्चों की मारपीट करके हालत ऐसी कर दी थी कि वो क्लास में जाने से डरता था। ये 2-3 मामले वो हाल के मामले हैं जो पिछले एक हफ्ते में आए। महीनों का आंकड़ा देखा जाए तो, या फिर सालों की बात करें तो, मदरसों में हो रहे कुकर्म की खबरों की गिनती आपको हमेशा बढ़ती हुई नजर मिलेगी। और ये मामले जिले, राज्य या किसी प्रदेश तक सीमित नहीं है, इस्लामी मुल्कों में भी मदरसों के यही हाल है। कहीं से वीडियो आते हैं कि छोटे बच्चों को निर्ममता से पीटा जाता है। वहीं पता चलता है कि क्लास के बीच में छात्राओं के साथ छेड़खानी होती है, किसी को मार्क्स देने के नाम पर परेशान किया जाता है, तो किसी के मुंह में
जबरन कपड़े ठूसकर उसके साथ गलत काम किया जाता है। अफ्रीका से तो एक बार ऐसी खबर आई थी कि वहाँ के मदरसे में पढ़ने वालों से गरीब बच्चों से मौलवी भीख मंगवा गया करते थे। इसी तरह पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ भी मदरसों में बच्चों का यौन शोषण होता है, लेकिन उसके साथ वहाँ उन्हें ऐसी तालीम मिलती है कि वो आतंकी संगठन में शामिल होने से कोई गुरेज नहीं करते। पाकिस्तान का दारुल उलूम हकानिया ऐसी ही एक मदरसा है जिससे पढ़कर निकले लोग तालिबान जैसे संगठनों में शामिल होकर कट्टरपंथ के रास्ते पर चल पड़ते हैं। बांग्लादेश में भी मदरसों की ऐसी ही कहानियां हैं। वहीं मीडिया में मौजूद कुछ खबरें तो यहां तक बताती हैं कि पाकिस्तान अपने आतंक का एजेंडा भारत में मदरसों के जरिए पूरा करने में लगा है। हम इन खबरों को एक बार झुठलाने की अगर सोचे भी तो पिछले सालों में ऐसे तमाम उदाहरण सामने आ गए, ऐसी खबरें सामने आ गई जो बताती हैं कि आतंकी अपने टेरर मॉड्यूल को मदरसे के बहाने ही ज़मीन पर उतारना चाहते हैं। साल 2022 में असम में जो टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ था वो याद करें तो पता चलता है कि कट्टरपंथियों की कितनी गहरी साजिश चल रही है। असम पुलिस ने उस समय कई आतंकियों को गिरफ्तार किया था और जिन मदरसों में इसके संबंध मिले थे उन पर हेमंत शर्मा सरकार ने बुलडोजर चलवाया था। उन्होंने साफ साफ ऐलान किया था कि अगर उन्हें पता चला कि किसी मदरसे में अवैध गतिविधियां चल रही हैं, देश विरोधी तालीम दी जा रही है, तो तुरंत वो मदरसे को गिरवा देंगे। इसके बाद असम में 1281 के करीब मदरसे बंद हुए। सरकार ने फैसला लिया था कि प्रदेश में दीनी तालीम की जगह आधुनिक शिक्षा दी जाएगी जिससे बच्चे भविष्य में कुछ अच्छा कर सकें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी लगातार कट्टरपंथ की कमर तोड़ रही है, लेकिन उनके लिए काम इतना आसान नहीं है। मदरसों को फलने फूलने के लिए खाद पानी यूपी की पहली सरकारों ने ही दिया। जब योगी सरकार आई तो अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। योगी सरकार ने जांच कराई तो पता चला कि हजारों की संख्या में न केवल अवैध मदरसे चलाए जा रहे हैं बल्कि सीमाओं पर अचानक इनकी गिनती बढ़ी है। सरकार के पास जब इनकी रिपोर्ट पहुंची तो वो इस पर सख्त हुए। करीब 16,000 मदरसों पर एक्शन लिया गया। इसके बाद ये खबर ये भी आई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया। हालांकि बाद में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो वहां उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी गई। बाद में जिस तरह की तस्वीर पिछले कुछ समय में मदरसों की उभर कर आई है उससे यही पता चलता है कि आने वाले समय में कितना भयावह रूप ले सकते हैं। केवल राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि ही नहीं सामाजिक दृष्टि भी सवाल उठाती है कि आखिर ऐसे संस्थानों का काम क्या होता है। क्या मजहब के नाम पर बच्चों को दुनिया से पीछे कर देना मौलानाओं का काम है या फिर उन्हें यौन उत्पीड़न का शिकार बनाकर उन्हें अंदर से तोड़ने का बीड़ा उन्होंने उठाया है। मदरसों में बम फटना या दुष्कर्म होना या आतंकियों को पनाह मिलना कोई सामान्य घटना नहीं है, लेकिन इन सब को लेकर अलग अलग जगह के मदरसे बदनाम हुए हैं। इनकी खबरें पढ़ने के बावजूद मजहब की बातें करने वाले कुछ कट्टरपंथी विचारधारा वाले अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने के बजाय मदरसों में जाने को मजबूर करते हैं और जब वो जाने से मना करते हैं तो उनके साथ मारपीट होती है। कुछ दिन पहले NCPR अध्यक्ष ने भी मदरसों में जमा होती भीड़ की तस्वीर को दुनिया के आगे उजागर किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि कैसे गरीब बच्चों को लाकर मदरसों में भरा जा रहा है जहाँ ना बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं और ना ही वो अच्छे से जीवन व्याप्त कर पाते हैं। ऐसे में कुछ मदरसों में बच्चों को शिक्षा की जगह कुछ और ही सिखाया जाता है और उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। लेकिन अगर इस सब को नजरअंदाज भी किया जाए तो आए दिन जो खबरें आ रही हैं उसे कैसे झुठला सकते हैं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ। ना कोई दौड़ ना कोई रेस। कैपिटल टीम उत्तर प्रदेश।